जय जवान जय किसान, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है, अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ यहाँ का, और ये दीवार है, इसके ऊपर का वो एडिट किया हुआ है। चलिए खैर कोई बात नहीं, करने दीजिए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमें खास विषय पे, हमारे साथ इस वाली मुहिम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं मेरठ में, मोदीपुरम में इनका ऑफिस है। हमारे बड़े भाई हैं विनोद भाई जी। हम एक पहल कर रहे हैं इस चीज की कि भाई जी आ जाइए यहाँ पे। हमारे साथ एक तो ये खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स पर्सन है सारे। ये भाई का नाम है अंशुल पहलवान, ये भाई जी हमारे रविंदर जी, ये भाई हमारे पुष्पेंद्र सिंह, ये भाई हमारे जी, ये हमारी बहन जी है, इनकी भी फोटो वायरल हो रही है बहुत ज्यादा। यूनियन वाले कर रहे हैं, बीकेयू वाले कर रहे हैं बड़ी वीडियो, यही की है, ये देख लीजिए यही की है वो वीडियो, बड़ी वायरल कर रहे हैं। ये हमारे साथ में हमारे बड़े भाई हैं, आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। ये एक हम सब ने मिलकर के खिलाड़ियों ने, इनकी मेहनत ज्यादा है, मेरी थोड़ी सी कम है, और ये इस चीज की पहल की है उन्होंने। और ये एक बार मैं बैक से दिखा दूं, अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए संयुक्त खेल मोर्चा जो है, इन्होंने इसकी पहल की, इसको बनाने में बहुत इनकी मेहनत है। और एक बड़ी है कि आप समझ सकते हैं कि RSS भी इनके आगे कुछ नहीं है। और ये हमारे भाई है ना, पूरे डिटेल में बताएंगे, हमारा परिवार है ये स्पोर्ट्स का। और ये हमारे बाबा जी भी जुड़े हुए हैं इसमें, रमेश पाल पहलवान जी भी हैं, ऋषि पाल जी, हाँ जी। ये भैया हमारे, इसके बारे में बताएंगे विनोद भाई, यहाँ की पोस्टर बड़ी वायरल हो रही है, चलिए इसके बारे में आप इन्हें बता दीजिए। और ये भी बता देना कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ कि RSS का कोई संगठन कामयाब नहीं हो पाएगा। जी दोस्तों नमस्कार, हम लोगों ने मिलकर, खिलाड़ी लोगों ने एक संयुक्त खेल मोर्चे का गठन किया है, जिसकी इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 55,000 शाखाएं, पूरे देश में 2,00,000 शाखाएं हैं। लोग कहते हैं कि RSS की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, लेकिन उनकी 8,000 शाखाएं हैं और हमारी इस देश में 2,00,000 शाखाएं हैं। हमारी शाखाओं में कबड्डी, कुश्ती, सब अलग अलग गेम खेले जाते हैं, जिनको लोग अंग्रेजी में एकेडमी कहते हैं, हम उनको शाखाएं कहते हैं। और ये सब लोग मिलकर, अगर एक शाखा 2,000 लोगों को प्रभावित करती है, तो हम पूरे देश में 40 करोड़ लोगों को प्रभावित करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम 11 करोड़ लोगों को प्रभावित करते हैं, जो अगर पूरे प्रदेश को 60% रिजल्ट चाहिए तो 4 करोड़ 3 लाख वोटों की जरूरत पड़ती है। जो वोट हम खिलाड़ी लोगों के पास हैं, वे इनसे कहीं जाते हैं। अब ये इस बात से डरना तो बंद कर दीजिए कि भाई RSS एक बड़ा संस्थान, संख्या बल में बड़ी शाखाएँ हैं, नहीं, उनके पास आप लोगों से बहुत कम शाखाएँ हैं। आप लोगों की शाखा मजबूत भी है, फिजिकली मानसिक तौर से लोग मजबूत भी हैं, वे नशे से बचते हैं, झूठ बोलने से बचते हैं, धोखा देने से बचते हैं, किसी से डरते भी नहीं है। और जिस विचार के साथ, जो उनका विचार है वो धर्म निरपेक्ष और जाति निरपेक्ष है, उस विचार के साथ में बड़ी मजबूती से खड़े हुए हैं। ये पूनम बहन जी इस चीज को किया है और यही फिर आगे इस बारे में बताएगी। देखिए स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरे परिवार की बात है भाई, बात तो करनी पड़ेगी। और यहाँ ऑफिस में बैठे हुए भी एक पोस्ट भी वायरल हो रही है, कोई बात नहीं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एडिटिंग करके कर दी गई है, मेरे को उन बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। बाकी हम अपने एक स्पोर्ट्स परिवार की तरफ से एक पहल, अच्छी पहल कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं, बेहतर की तलाश में है, और इसी में पूरी मेहनत करेंगे भाई जी। थोड़ा कुछ समय तक मैं टाइम कब दे पाऊंगी, मैं आपको पहले बोल चुकी, लेकिन पूरा इसमें पूरी जोर शोर से करेंगे, क्योंकि बड़े देख लिए लोग, बहुत सारे देख लिए, कुछ अपना बेहतर करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स परिवार से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स वाले लोग बहुत कम होते हैं जो चीटिंग करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि क्या बोलते हैं, इसलिए अभी शेयर कर दो कि मैं अभी यहाँ बैठी हुई हूँ तो फोटो वायरल हो रही। तकलीफ वाले लोगों का देखिए, जिनके बीमारी थी ना, जिनकी चीज हो रही थी, वही निकल निकल के वो लोग ही आ रहे हैं और वही ये चीज बता रहे हैं। अब समझ में आ गया कि मेरे से तकलीफ में लोग कौन कौन है। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। बाकी आप हमारे स्पोर्ट्स परिवार को और इस हमारे संयुक्त खेल मोर्चे को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देना, उसमें आप सभी के समर्थन की जरूरत है, उसमें सभी देश वाले हैं, क्योंकि हम कब तक किसी की जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी करेंगे, हम कब तक किसी के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। और हमारे ओलंपिक में वो रहे गोल्ड मेडल जीते हुए मेरे भाई मेरी बहने, वो कब तक किसी के लिए सैल्यूट मारेंगे, तो क्यों ना वो ही अच्छी सी एक शुरुआत करें और अच्छे देश की पहल करें। और ये चीजें खिलाड़ी ही कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि
खिलाड़ी की जो सोच है सकारात्मक होती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू इमरान वाले देख लीजिए और टोक्यो ओलंपिक वाला देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। जो खिलाड़ी की सोच ही बेहतर हो, खिलाड़ी ही उसको कर सकता है बेहतर तरीके से। बाकी कोई बात नहीं, आ जाइए, आप भी बड़ी वायरल हो रही हैं उस फोटो में। देखिए ये हमारी बहन जी हैं बबीता जी, ये भी बड़ी वायरल हो रही हैं फोटो में। कोई बात नहीं, हम एक अच्छी पहल करने के उसमें, उन लोगों का यही काम है। अब देखिए बीमारी किसके निकल गई, BKU, कौन सी BKU, ये भी आप चेक कर लीजिए। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत। हरियाणा वालों के बहुत फोन आ रहे हैं, घबराइए मत, मैं बच्चा आपका हूँ, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, हम लोग यहाँ बैठे हुए आप देख सकते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है परेशानी की, मैं आपके साथ हूँ। उन लोगों के साथ नहीं हूँ जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, जो लोग लगे पड़े हैं हरकतों को करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।